ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यं गौरतविषये नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमो सुते। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवसच विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने का परसों जो पढ़ा था हरिदास ठाकुर की महिमा पढ़ी। अब हरिदास ठाकुर के पूर्व जन्म के चित्रों का वर्णन पढ़ेंगे। द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स लॉर्ड ब्रह्मा अपियर्ड एज हरिदास ठाकुर, यानी ब्रह्मा जी जो हैं वो हरिदास ठाकुर स्वयं बन के आए। बिकॉज ही हैज स्टोलन कृष्णास कार्व्स इन वृंदावन यद टू अपियर एज अ मोहम्मडन, क्योंकि इन्होंने कृष्ण के बछड़ों को और ग्वालों को कृष्ण से दूर किया, इससे उनको यवन कुल में जन्म लेना पड़ा। देयर वॉज अनदर ब्रह्मा हु वॉज द सन ऑफ ऋचिका मुनि, या एक और ब्रह्मा की बात करें यहाँ पे, वो ऋचिका मुनि के पुत्र थे। वन डे ऋचिका मुनि टोल हिज सन टू ब्रिंग सम तुलसी लीव्स, उसने ऋचिका मुनि ने अपने पुत्र को कहा कि कुछ तुलसी के पत्ते ले आओ। द बॉय ब्रह्मा देन ब्रॉट द तुलसी लीव्स टू हिज फादर विदाउट फर्स्ट वॉशिंग डैम, यानी अपने पिता के पास वो तुलसी के पत्ते ले आया बगैर धोके। दिस एंगर्ड हिज फादर सो हिज कस्ट हिज सन टू बिकम अ यवन, उसने क्रोध में आके अपने पुत्र को श्राप दे दिया कि तो यवन बन जा। दिस ब्रह्मा मर्ज विद द क्रिएटर ब्रह्मा एंड अपियर्ड हरिदास ठाकुर, यानी जो ऋचिका मुनि के जो पुत्र थे ब्रह्मा, जो सन थे उनके पुत्र ब्रह्मा थे, वो जो ग्रेटर ब्रह्मा है जो सृष्टि के रचयिता है उनके साथ मर्ज हो गए, एक हो गए, और वो दोनों मिलके अब ये हरिदास ठाकुर बने। प्रहलाद महाराज ऑल्सो अपियर्ड इन हरिदास ठाकुर बॉडी अलॉन्ग विद ब्रह्मा एंड रुचिका मुनिसन, तो कहते हैं प्रहलाद महाराज भी इस पे उनके शरीर में प्रवेश कर गए और वो हरिदास ठाकुर बन के आए हैं। वन डे एज प्रहलाद महाराज फुली ऑब्जॉर्व्ड इन सर्विंग लॉर्ड कृष्णा, एक दिन प्रहलाद महाराज पूरी तरह मग्न थे कृष्ण की सेवा में। द फोर कुमारस केम टू सेम, चार कुमार यानी चार भाई है, इनको सनकादि ऋषि बोलते हैं। ये सनत कुमार इनके पास चारों भाई आए, हाँ। The palace attendants offered their obeisances to the Kumars and offered them a nice place to sit. तो जो अटेंडेंट थे महल के, उन्होंने उन्हें बैठने के लिए सुंदर आसन दिया और चारों कुमार बैठ गए। To sit before and offered them to sit a nice place. टू सिट बिफोर इन्फॉर्मिंग प्रहलाद महाराज ऑफ द अरेवल, यानी प्रहलाद महाराज को सूचना देने के पहले इन्होंने उनको बैठने के लिए आसन दिया। प्रहलाद महाराज वॉज सो डीपली अब्जॉर्व इन हिज वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा दैट ही कुडंट अंडरस्टैंड वॉट इज अटेंडेंस वॉज सेइंग, तो कृष्णा भक्ति में इतने मग्न थे उनके सेवकों ने आके उन्हें जो बातें कही कि संकादि ऋषि चारों पुत्र आचारों ब्रह्मचारी आए हैं, तो उन्हें उनको पता ही नहीं चला, उनका ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि उनका मन कृष्ण मग्न था इसलिए उनका ध्यान नहीं गया। द फोर कुमारस वेटेड फॉर सम टाइम एंड देन डिपार्टेड विदाउट फीलिंग ऑफेंडेड, चारों कुमार जो हैं
फिर वापस कुछ समय प्रतीक्षा करते हैं और फिर चले जाते हैं और उनको अपमानित अपने को बुरा नहीं मानते। स्टिल प्रहलाद महाराज कमिटेड एन ऑफेंस एट दी वैष्णव के प्रति अपराध तो कर ही लिया था। यानी कहने का क्या है, जी कोई भी पूजा पाठ कुछ भी करा होगा या उसकी आरती या संध्या का समय होएगा, अगर उसके जीवन में संत आते हैं, वैष्णव आते हैं, पहला कर्तव्य संतों की सेवा करना, उनके पास बैठना। क्यों? संत हमारे घर में कोई हमसे कुछ लेने नहीं आए, ना कुछ खाने आए हैं, वो हम पे कृपा करने आए हैं, हमको कुछ कथा सुनाएंगे, हमको कुछ आशीर्वाद दे के जाएंगे और साथ में आपसे सेवा भी ले लेंगे। लेकिन कुछ देते हैं और फिर वो आपसे सेवा लेते हैं। अगर हम कहेंगे जी हमारा आरती का समय है या मेरा संध्या वंदन का समय है, मैं नहीं आ सकता हूँ, तो ये बहुत बड़ा वैष्णव अपराध है। यानी भगवान अपने भक्तों की सेवा में सर्वश्रेष्ठ सेवा मानते हैं, लेकिन जो भगवान की सेवा करता है और भक्त की उपेक्षा करता है तो भगवान के कभी भी कृपा का पात्र नहीं बन सकता। इसलिए हमें भक्तों की सेवा करने, भक्त की सेवा क्या है, भक्त क्यों आए, भगवान की कथा सुनाने, भक्त के मुख से कथा सुनना और भक्त की आज्ञा पालन करना ही वास्तव में रियल वैष्णव सेवा होती है। बिकॉज ऑफ दिस मेंटेलिटी वॉज पॉल्यूटेड एंड ही नो लॉन्गर शोड रिस्पेक्ट टू द डेमिगॉड्स। और इसका परिणाम क्या हुआ कि उनकी बुद्धि खराब हो गई और वो देवताओं को उपेक्षा करने लगे, उनको आदर नहीं देते थे। हेडेड बाय ब्रह्मा शिव एंड इंद्रा, यानी ब्रह्मा शिव और इंद्र की उपेक्षा करने लगे और उनको आदर नहीं देते थे। इनफैक्ट ही बिकेम इंटॉक्सिकेटेड विद प्राइड ड्यू टू एक्शन इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। यानी उनके अंदर अहंकार भी उत्पन्न हो गया और अहंकार उत्पन्न होना यह तमोगुण का लक्षण है। तो कहते हैं विद प्राइड ड्यू टू इज एक्शन इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस दैट व्हेन ही वेंट टू वैकुंठ ही फेल टू रिस्पेक्ट इवन टू लॉर्ड नारायण। यानी बुद्धि इतनी दूषित हो गई कि वो उन्हें नारायण को भी प्रणाम करना नहीं भूल गए। इनफैक्ट अपॉन हिज अराइवल ही आस्क्ड लॉर्ड टू गेट अप फ्रॉम हिज थ्रोन सो दैट ही कुड सिट ऑन इट। यानी जब वो वैकुंठ जाते भगवान कहते हैं कि आप उठिए, मुझे बैठने के लिए आसन दीजिए। यानी इस प्रकार का अहंकार अंदर इंसान के अंदर आ जाता है वैष्णव की उपेक्षा करने से। बींग कंपैशनेट टू हिज डिवोटी लॉर्ड नारायण रिमूव प्रहलाद महाराज डिल्यूजन बाय समिंग द फोर कुमारा हु इमीडिएटली ऑफर्ड एंड ऑफर्ड ऑब्लिगेशंस टू द लॉर्ड। तो अपने भक्त के प्रति दया दिखाने के लिए, तो उनके मोह को दूर करने के लिए भगवान क्या करते हैं, चारों कुमारों को बुलाते हैं जो आते भगवान को तुरंत प्रणाम करते हैं। एज सून एज प्रहलाद सॉ द फोर कुमार ही रिमेम्बर्ड हाउ ही हैड ऑफेंडेड देम एंड लेमेंटेड। जैसे प्रहलाद ने चार कुमारों को देखा तो वो उसे याद आया कि किस प्रकार उनका अपराध हुआ था और विलाप करने लगे। आई एम सर्टनली एन ऑफेंडर बिकॉज आई फेल टू ग्रीट यू वेन यू केम टू माई पैलेस। मैं अपराधी हूँ क्योंकि मैंने आपका स्वागत नहीं किया जब आप मेरे महल में आए थे। नाउ ओ ग्रेट सोल काइंडली फॉरगिव मी, महान आत्मा मेरा अपराध को क्षमा कीजिए। आफ्टर सेइंग द प्रहलाद महाराज फेल एट द फीट एंड द सेजेस ब्लेस्ड हिम सेइंग। ये कहते हुए प्रहलाद महाराज उनके चरणों पे गिरे और उन चारों कुमारों ने उसे आशीर्वाद दिया। यू आर फ्री ऑफ और ऑफ, हम तुम अपराधों से मुक्त हो गए। एक्चुअली वेन एवर वी सी यू वी आर रिमाइंडेड ऑफ कृष्णा। यानी जब हम तेरे दर्शन करते हैं हमें कृष्ण की याद आती है। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ यू दैट लॉर्ड नारायण कॉल है, और भगवान ने केवल तेरे लिए हमको यहाँ पे बुलाया है। लॉर्ड नारायण देन सेड ओ प्रहलाद यू विल बी बॉर्न एज अ यवन इन द एज ऑफ कली एंड विल बी नोन एज हरिदास। तो नारायण ने कहा कि तू प्रहलाद तू यवन बनेगा कलयुग के अंदर, आते हो हरिदास के नाम से तेरी ख्याति की। तो ब्रह्मा जो थे जो सृष्टि करता वो
वो हरिदास बने जो ऋषिका मुनि के पुत्र थे, जिन्होंने तुलसी को बिगाड़ दो अपने पिता को दिया था, उनके पिता श्राप दिया था आपका यवन बनिए, वो ब्रह्मा जी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और यहाँ पे प्रहलाद महाराज भी इनके ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करके ये तीनों मिला के हरिदास ठाकुर बने हैं। यू विल प्रोपागेट द ग्लोरीज ऑफ माई होली नेम, आप मेरे हरि नाम का विस्तार करोगे। आई विल अपियर एट द सेम टाइम एंड बी नोन एज श्री कृष्ण चैतन्य, और मैं खुद अवतार लूँगा और मुझे श्री कृष्ण चैतन्य करके पहचाना जाऊँगा। द सीड ऑफ योर ऑफेंस विल बी डिस्ट्रॉयड वेन यू आर बॉर्न इन अ लो फैमिली एंड देन चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड विदाउट सेसेशन, यानी ये जो तेरे बीच जो अपराध का हुआ है उसका निवारण कैसे होगा, एक तो तू निम्न जाति में जन्म लेगा वो, दूसरा आप हरिनाम विदाउट रुकावट के अहिर्निश लगातार हरिनाम लेगा तब जाके तेरे बीच सारे अपराध नष्ट होंगे। यानी कंटिन्यूस हरिनाम बहुत ज़्यादा जरूरी है अपराधों को मार्जन करने के लिए। दैट इज़ वाई प्रहलाद महाराज ऑल्सो अपियर्ड इन हरिदास ठाकुर बॉडी, तभी प्रहलाद महाराज हरिदास ठाकुर के शरीर में प्रवेश करके आए। अकॉर्डिंग टू सम लॉर्ड ब्रह्मा अपियर्ड एज गोपीनाथ आचार्य और डिसाइपल ऑफ अद्वैत प्रभु, कुछ लोगों का ऐसा मत है कि ब्रह्मा जो है गोपीनाथ आचार्य बन के आए जो अद्वैत प्रभु के शिष्य थे। आई डस्ट डिस्क्राइब सम हरिदास ठाकुर ग्लोरीज, जो हमने कल बड़े विस्तार से पढ़ा, तो हम हरिदास जी की महिमा हमने कल पढ़ी। नाउ आई विल ऑल्सो राइट अबाउट हाउ अद्वैत प्रभु वॉज मैरिड, अब मैं ये लिख रहा हूँ कि अद्वैत प्रभु का किस प्रकार विवाह हुआ। देयर इज अ विलेज कॉल नैनपुर नियर सप्तग्राम वे मैनी पायस ब्राह्मण लिव, एक गाँव है नैनपुर करके नियर सप्तग्राम के पास जहाँ पे बहुत से पुण्यशाली ब्राह्मण रहते हैं। द वैष्णव नरसिंह भादुरी वॉज वन सच ब्राह्मण, नरसिंह भादुरी एक ऐसे ब्राह्मण थे। ही हैड टू डॉटर्स सीता ठकुरानी एंड श्री ठकुरानी, उसकी दो कन्याएं थी, एक का नाम था सीता ठकुरानी और दूसरा था श्री ठकुरानी। सीता दी ओल्डर सिस्टर वॉज एन इनकार्नेशन ऑफ योग माया, जो बड़ी जो थी सीता वो योग माया का अवतार थी। हर यंगर सिस्टर श्री वॉज हर एक्सपेंशन, और वो उन्हीं का विस्तार थी छोटी जो पुत्री थी। देयर मदर डाइड वेन देवर यंग, उनकी माँ ने श्री छोड़ दिया जब वो बहुत छोटे थे। नरसिम्हा भादुरी वरिड अबाउट हिज डॉटर, नरसिम्हा भादुरी अपनी पुत्री के लिए चिंतित हो गई, स्पेशली अबाउट हाउ दे वुड मैरी, यानी उनका विवाह किस प्रकार से होएगा। देन ही हैड अ ड्रीम इन विच ही सॉ दैट हिज टू डॉटर्स वर मैरिड टू अद्वैत श्री अद्वैत प्रभु, तब उनको सपना आया कि उनके दोनों कन्या का विवाह श्री अद्वैत प्रभु से हो गया। ही सॉ श्री अद्वैत प्रभु एज सदाशिव एंड हिज डॉटर एज गॉडेसेस, उनको अद्वैत प्रभु सदाशिव के रूप में दिखाई दिए और उनकी जो कन्या है वो देवी दिखाई दी। एंड दिस डिलाइटेड हिम, इसे उन्हें बड़ा आनंद हुआ। आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर केयरफुली नरसिम्हा भादुरी डिसाइडेड टू टेक हिज डॉटर्स टू शांतिपुर, इस चीज़ का बड़े विचार करने पे नरसिम्हा भादुरी क्या करते हैं, अपनी कन्या को शांतिपुर लेके जाते हैं। डस्ट द थ्री टू का बोट टू फुलिया, तीनों नाव में बैठ के फुलिया गए। वे दे मेट द सीनियर श्यामदास, जहाँ पे वो श्यामदास से मिलते हैं सीनियर। नरसिम्हा भादुरी टोल्ड इज वैष्णव अबाउट इज ड्रीम एंड श्यामदास एग्री टू हेल्प देम अरेंज अ मैरिज, नरसिम्हा भादुरी ने अपना सपना उन्हें बताया और श्यामदास एग्री हो गए, मान गए कि मैं विवाह के लिए मैं अरेंजमेंट करता हूँ। श्यामदास अराइव्ड एट अद्वैत आचार्य हाउस सेंस है, श्यामदास अद्वैत आचार्य घर गए और कहा, डियर सर डू यू विश टू मैरी, क्या आप विवाह करना चाहते हो। अद्वैत प्रभु रिप्लाइड, आई एम एन ओल्ड मैन सो हु विल गिव मी हिज डॉटर, मैं बूढ़ा हूँ मुझे कौन कन्या देगा।
Shyamdas then told Adet Prabhu of Narasimha Bahadur's and his dream. तो श्याम दास ने अद्वैत प्रभु को नरसिम्हा बहादुरी के विषय में बताया और उनके दो कन्याओं को उसका जो सपना आया था. When he understood the situation, अद्वैत प्रभु gladly agreed to marry the two girls. जब उन्होंने स्थिति को समझा कि भाई इसके पीछे भगवान की कोई योजना है तो अद्वैत प्रभु ने तैयार हो गए विवाह करने के लिए, क्योंकि सर वो तो योग में आरुणि का विस्तार है उनकी जो छोटी बहन थी. As soon as Advait Acharya saw Sita, he recognized her as his eternal consort. जब उसने सीता को दर्शन किए तो उन्हें अपनी ये शक्ति दिखाई दी कि मेरी ये तो नित्य की शक्ति है, क्योंकि वो स्वयं महाविष्णु हैं और उनकी जो शक्ति है उन्हें दिखाई दी वैसे ही. Then on an auspicious day, Narasimha Bahadri gave his two daughters in marriage तो अद्वैत प्रभु शुभ दिन के अंदर नशे भाव के दोनों पुत्रियों को उन्हें अर्पण किया, क्योंकि अद्वैत प्रभु कौन है, हरि हर के अवतार हैं. हरि और हर यानी शिव और विष्णु कम्बाइंड जो हरि क्षेत्र मायापुर में आता नवदीप में, उनके ये अवतार हैं अद्वैत प्रभु. द मैरिज टुक प्लेस इन फुलिया एंड द इंटायर कॉस्ट वॉज प्रोवाइडेड बाई टू प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज द ब्रदर हिरण्य एंड गोवर्धन हु वर द डिसाइपल्स ऑफ यदुनंदन आचार्य. विवाह फुलिया में हुआ और सारा खर्च जो था इन्होंने उठाया दो भाइयों ने, हिरण्य एंड गोवर्धन मजुमदार उन्होंने उठाया, और ये यदुनंदन आचार्य के शिष्य थे. द मैरिज सेरेमनी वॉज हैप्पीली सेलिब्रेटेड इन अ ग्रैंड मदर बाई द डोनेशन, यानी बहुत बड़े तरीके से विवाह का उत्सव मनाया गया और दोनों भाइयों ने हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन ने उनको पैसे पर्याप्त मात्रा में दिए. द डे आफ्टर अ मैरिज द ब्राइड इज सपोज टू सर्व फूड टू द ब्राह्मण एंड द अदर गेस्ट. विवाह के बाद कन्या क्या करती है, उसका कर्तव्य बनता है कि ब्राह्मणों को और मेहमानों को भोजन कराना. व्हेन एवरीवन सैट डाउन टू ईट, जब सब लोग प्रसाद पाने बैठ गए, सीता देवी टुक अ प्लेट ऑफ फूड एंड बिगैन टू सर्व द गेस्ट. सीता देवी ने भोजन लिया प्लेट में और मेहमानों को परोसना शुरू किया. हु वाज सिटिंग इन दो, वो जो पंक्ति में बैठे थे, सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू ऑफ सीता देवी हेड कवरिंग, यानी उसी वक्त बहुत तेज की हवा चली जिससे उनके सिर से उनका पल्ला हट गया. She could not grab the cloth to put it back on her head because both hands were engaged in holding the plate. वो अपना पल्ला सर पे नहीं रख सके क्योंकि उसके हाथों में वो थाल थी प्रसाद की. Then to everyone's astonishment, सब आश्चर्यचकित तो क्या देखा उन्होंने, सीता दी manifested two more arms and put the साड़ी back over her head. उसने दो भुजाएं और प्रकट कर दी और पल्ला अपने सर पे रखा. Everyone present saw this wonderful manifestation of Sita Devi opulence. सबने सीता देवी के ऐश्वर्य का प्रभाव देखा. She then quickly concealed her two additional arms. तुरंत उससे वो दो बुझाई थी वो उन्होंने लुप्त कर दी. श्री अद्वैत प्रभु कंटिन्यू टू लिव हैप्पीली एज शांतिपुर विद हिज टू वाइफ्स. अद्वैत प्रभु शांतिपुर रहने लगे अपनी दोनों पत्नियों के साथ. बिफोर हिज मैरिज, विवाह के पहले अद्वैत प्रभु हैड लिव्ड इन नवदीप, बट आफ्टर मैरिज ही लिव्ड इन शांतिपुर. विवाह के पहले वो नवदीप रहते थे, विवाह के बाद वो शांतिपुर आ गए. बोथ सीता एंड श्री देवी टुक इनिशिएशन फ्रॉम श्री अद्वैत प्रभु. दोनों ने हरिनाम लिया, दीक्षा ली किससे, अद्वैत प्रभु से. सीता गेव बर्थ टू 5 सन एंड श्री देवी गेव बर्थ टू 1 सन, यानी सीता के 5 पुत्र हुए और श्री देवी के 1 संतान हुई पुत्र. अच्युतानंद वॉज अद्वैत आचार्य एल्डर सन. अच्युतानंद जो थे अद्वैत आचार्य के सबसे बड़े पुत्र थे एंड वॉज एन इनकार्नेशन ऑफ गणेश एज वेल एज अ गोपी नेम अच्युत, यानी उनके अंदर समावेश था दो का, एक गणेश जी का और एक गोपी अच्युत, दोनों का समावेश इनके अंदर था. जूनियर श्यामदास वॉज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अच्युतानंद एंड मदर सीता ट्रीटेड लाइक हर ओन सन. जो जूनियर श्यामदास थे वो अच्युतानंद के ही स्वरूप थे.
और माँ सीता ने उनको अपने पुत्र की तरफ व्यवहार किया एंड ब्रेस्ट फेड हिम और उन्हें दूध भी पिलाया। जूनियर श्यामदास हैड ए गुड फॉर्चून ऑफ बिहोल्डिंग सीता एज अ फोर आर्म गॉडेस, यानी जूनियर श्यामदास ने माँ सीता को चार भुजा में देखा। कृष्णदास मिश्रा, गोपाल, बलराम स्वरूप एंड जगदीश व द नेम ऑफ श्री अद्वैत अदर फाइव सन, यानी कृष्णदास मिश्रा, गोपाल, बलराम स्वरूप एंड जगदीश ये जो थे, बाकी इनके पांच पुत्र थे। कृष्णदास वॉज एन इनकार्नेशन ऑफ कार्तिकेय, कृष्णदास कौन था, वो कार्तिकेय ही आए थे कृष्णा बन के। एंड हिज फोर ब्रदर्स गोपाल, बलराम स्वरूप एंड जगदीश वर हिज एक्सपेंशन, और वो केवल उनके विस्तार थे। सीता देवी हैड टू मेड सर्वेंट्स, सीता देवी के दो निजी सेविकाएं थी, जलांगी एंड नंदिनी, उनका नाम क्या, जलांगी और नंदिनी, बोथ इनिशिएटेड बाय हर, यानी सीता देवी ने स्वयं उनका हरिनाम किया था। नंदिनी चोज टू लिव विद सीता एंड रेंडर्ड हर सर्विस, नंदिनी ने सीता के साथ रहने का निर्णय किया, उसकी सेवा करने का। वाइल जलंगी वेंट टू अ थिक फॉरेस्ट फिल्ड विद फेरोशियस एनिमल टू परफॉर्म ऑस्टेरिटीज, जलंगी जो थी वो घने जंगल में चले गई तप करने के लिए। इट सो हैपेंड दैट वन डे द किंग ऑफ बंगाल वॉज हंटिंग इन दैट फॉरेस्ट एंड केम अपॉन जलंगी, एक बार ऐसा हुआ राजा जो थे बंगाल के वो शिकार कर रहे थे और शिकार खेलते हुए वो जलांगी के पास आ गए जंगल में। व्हेन द किंग सॉ सच एन अट्रैक्टिव वुमेन सिटिंग इन अ सेक्लूडेड प्लेस ड्रेस्ड एज एन एसेटी, जब राजा ने देखा इतनी सुंदर स्त्री है और वो अकेले जंगल में रह रही है तपस्वी के वेश में, His lust was aroused and he desired to enjoy her even by force, उनके अंदर काम वासना उत्पन्न हुई और वो उसके साथ भोग करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। When the king approached Jalangi, however she immediately turned into a man, जैसे राजा जलंगी के पास आते हैं भजन के बल से वो पुरुष के रूप में प्रकट हो गई। Astonished and perplexed, the king asked, Oh ascetic, are you a man or woman? आश्चर्यचकित हो गए और कंफ्यूज हो गए और वो पूछते हैं कि ये तो तुम पुरुष है कि स्त्री है। जलांगी रिप्लाइड, आई एम अ वुमेन बट टू अ मैन आई अपीयर एज अ मैन, मैं तो स्त्री हूँ लेकिन पुरुष के लिए मैं पुरुष रूप में दिखती हूँ, एंड टू अ वुमेन एज अ वुमेन, और स्त्री मुझे स्त्री रूप में ही देखेंगे। दोज हु आर प्योर हार्टेड ऑलवेज सी मी एज अ वुमेन एंड एड्रेस भी एज अ मदर, जो शुद्ध हृदय वाले होते हैं वो मुझे स्त्री के रूप में देखते हैं और माँ कहकर संबोधित करते हैं। पर एनी वन लुक्स एट मी विद ईवल इंटेंशन आई अपीयर टू हिम एज मैन, और कोई कुदृष्टि से देखता है तो मैं उसके लिए पुरुष बन जाती हूँ। द किंग अंडरस्टूड हिज मिस्टेक एंड बेग जलांगी पार्डन, राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और उनसे वो क्षमा याचना मांगता है। द किंग देन बिल्ट हर अ पैलेस इन दैट फॉरेस्ट विच बिकेम नोन एज जलांगी टोटा, तो राजा ने उनके लिए एक महल बना दिया जंगल में और उसका नाम पड़ गया जलांगी टोटा। और इधर श्री अद्वैत प्रभु हैड अ डिसाइपल नेम ईशान, अद्वैत प्रभु का एक शिष्य था उसका नाम था ईशान, हु वंस आस्क्ड हिम हाउ ऑल लिविंग एंटिटीज कुड बी लिबरेटेड, एक बार उन्होंने पूछ दिया अद्वैत प्रभु से संसार के सारे जीव किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं। ईशान सेड, यू आर लिविंग अ कम्फर्टेबल लाइफ एज अ हाउस होल्डर, ईशान कहते हैं आप तो बड़े आराम से बैठे हो गृहस्थ बन के, सो यू हैव फॉरगॉटन अबाउट डिलीवरिंग द फॉलन कंडीशन सोल, आप भूल गए कि आपने पतितों का उद्धार करना है। एट दिस अद्वैत प्रभु रोड एंड वर्ड, तब अद्वैत प्रभु गरजे और बोले, आई विल ब्रिंग कृष्णा एंड एसोसिएट्स टू नदिया, मैं कृष्णा और उनके संगियों को मैं नदिया में लेके आऊँगा। देयर आफ्टर अद्वैत प्रभु परफॉर्म ऑस्टेरिटीज एंड एज अ रिजल्ट लॉर्ड कृष्णा एंड हिज एसोसिएट अपीयर इन नदिया, तो उसके बाद अद्वैत प्रभु ने बहुत तप किया और उसका परिणाम क्या हुआ, भगवान कृष्ण अपने संगियों के साथ नदिया में आए।
In this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu incarnate to deliver the living entities by distributing devotional service to himself. इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने अवतरित हुए थे क्यों होते सब जीवों का उद्धार करने के लिए और इन्होंने भक्ति का वितरण किया और अपनी ही सेवा बताई कि किस प्रकार करना है क्योंकि महापुरुष स्वयं कृष्ण भगवान ही है तो लोगों से भक्त के भाव में अपनी भक्ति की शिक्षा दी द लॉर्ड रिस्पेक्टेड अद्वैत प्रभु एज स्पिरिचुअल मास्टर यानी भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु अद्वैत प्रभु को अपने गुरु करके संबोधित करते मानते थे एंड रेगुलर टुक डस्ट फ्रॉम हिज लोटस फीट और रोज उनके चरणों की धूलि को सिर पर धारण करते थे द लॉर्ड्स बिहेवियर हाउएवर मेड अद्वैत प्रभु अनहैप्पी यानी भगवान का जो इस व्यवहार था अद्वैत प्रभु खुश नहीं हो रहे थे क्यों आप ईश्वर हो साक्षात कृष्ण हो और आप मेरी चरण धूलि रहो उन्हें बड़ा संकोच हो रहा था लेकिन प्रभु तो नहीं तो शिक्षा देनी थी लोगों को कि किस प्रकार भक्त को रहना चाहिए जस्ट टू रिसीव लॉर्ड्स मर्सी अद्वैत प्रभु डिसाइडेड टू एंगर हिम बाय प्रीचिंग द योग वशिष्ठ अ बुक दैट एक्सपॉन्ड इम्पर्सनल फिलॉसफी यानी भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए अद्वैत प्रभु ने योग वशिष्ठ ग्रंथ का प्रचार करना शुरू कर दिया जिससे भगवान के निर्गुण निराकार का वर्णन आता है ही न्यू दैट व्हेन द लॉर्ड हर्ड ऑफ दिस ही वुड कम टू शांतिपुर एंड पनिश हिम वो जानते थे अगर मैं इसका प्रचार करूंगा कि भगवान का रूप नहीं है निर्गुण है निराकार कोई आकार नहीं है उनके अंदर कोई गुण नहीं है तब भगवान मुझे दंडित करने के लिए आएंगे क्योंकि भक्तों की भाषा में निर्गुण का अर्थ होता है जो तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका हो वही वास्तव में निर्गुण है निराकार का मतलब होता है जिसका माइक आकार नहीं है दिव्य स्वरूप है उसे कहते हैं निराकार हमारा जो है माइक आकार है क्योंकि वह परिवर्तनशील है कुछ समय के बाद वो चीज़ दिखाई नहीं देती जैसे बचपन का शरीर हम नहीं देख पाते जवानी का नहीं देख पाएंगे कुछ समय का बुढ़ापा का भी लुप्त हो जाएगा तो ये शरीर जो है माइक आकार है हमारे और प्रभु का जो आकार है वो दिव्य है सच्चिदानंदमयी है He knew that when the Lord, he would come to Shanti and punish him. Soon afterward, news of Advaita Charya, new preaching reached the Lord and he became fired with anger. कुछ समय बाद बहुत शीघ्र ही ये खबर पहुंच गई कि अद्वैत चार्य नई प्रकार का प्रचार कर रहे हैं और भगवान उससे बहुत क्रोधित हो गए He and Sri Nitin Hari to Shantipur, Sri Chaitanya Mahaprabhu was so angry that soon as he arrived at Advaitacharya house, he began to beat him, knocking him to the ground. Nani, वो और नित्यानंद दौड़े शांतिपुर की तरफ और जब भगवान इतने क्रोधित थे जब वो अद्वैत प्रभु के सामने आए उन्हें पीटने लगे और उन्हें जमीन पर पटक दिया श्री अद्वैत प्रभु साहब माई लॉर्ड यू आर द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड एंड यू फुलफिल द डिज़ायर ऑफ योर डिवोटीज यानी आप संसार के जगत के गुरु हो और आप भक्तों की इच्छा को पूर्ण करते हो मेरी इच्छा थी आप मुझे आओ मेरी इच्छा थी आप मुझे ताड़ना दो क्योंकि मुझे खराब लगा था कि आप मेरी चरण धूली धारण करते हो उल्टा मेरे को आपके चरण पकड़ने चाहिए संसार को कैसे प्रकाशित होगा कि आप साक्षात विष्णु हो आप साक्षात कृष्ण हो जब आप मुझे दंडित करोगे तभी तो संसार में आपकी महिमा प्रकाशित होगी नहीं तो आपकी महिमा प्रकाशित नहीं हो सकती इसी कारण से अद्वैत प्रभु ने इस प्रकार की लीला की थी योग वशिष्ठ की फिलॉसफी बना शुरू कर दी थी और महाप्रभु ने आके उन्हें दंडित किया जैसे कोई स्वामी अपने सेवक को करता है और स्वामी तो महाप्रभु क्योंकि कृष्ण ही तो है और उन यहाँ पे साबित हो जाता कि वो स्वयं स्वामी है अद्वैत आचार्य फेल टू डी एट द लोटस लॉर्ड्स लोटस फीट अद्वैत चरे भगवान के चरणों पर गिर गए ऑफरिंग हिज ऑबेस उन्हें प्रणाम करते हुए द लॉर्ड अम्ब्रेस्ड हिम विद अफेक्शन इंस्ट्रक्टिंग हिम टू सेव दोज हु
had taken to the path of impersonalism under his influence. Bhagwan ne aalingan kiya bade prem se aur unhe aagya di si sabko bachao. Jin logo ne ye Bhagwan nirgun nirakar ki jo baat suni hai aap se usse bachao, unko naam japao. Bhagwan ka sarup hai, uski leela ka vandan karo aur sabka udhar karo. After that, all other Prabhu disciples took to the devotional path except Kamdev Nagar. Uske baad sabhi logon ne adet Prabhu ke sare jo shishya the bhakti maat ko apna liya, Kamdev Nagar ko chhodke. Shankar and Agal Pagla, who were determined to stick to Shankaracharya philosophy, yani teen jo the Kamdev Nagar, Shankar aur Agal Pagla, ye the hum Shankaracharya ki philosophy ko carry karenge, hum Bhagwan ke sagun sakar aur leela aur naam ka prachar nahi karenge. They said, we feel satisfied only by cultivating impersonal knowledge of the absolute. Wo kehte hame anand atpti hoti hai Bhagwan ke nirgun nirakar ke roop ka vandan karne se, maki bare mein vandan karne se. We are confident that we can achieve perfection only by the process. Hame vishwas hai ki hum is mark se Bhagwan ko pahunch jayenge. Shri Advait Prabhu replied, Advait Prabhu ne kaha, give up this impersonal conception of the absolute truth. Ye bhool jao ki aap chhod do ye jo aapki philosophy galat hai. But they argued, we will give it up if you can defeat us in a debate. Kehte hum tyag denge agar aap humse tark karoge aur hame parajit karoge. Others, we will never accept the part of devotion, itam bhakti marg kabhi bhi nahi apnayenge. Shri Adair Prabhu exclaimed, Adair Prabhu phir kehte hain, O Shankar, you have become a madman and are influencing others to become mad. Kehte hain, Shankar, tu pagal ho gaya hai aur tu dusre ko bhi pagal bana raha hai. If you disregard your spiritual master, you will never achieve perfection. Agar tu apne guru ki aagya ka nahi palan karega, to tu kabhi bhi perfection, yani poornta Bhagwan ko nahi praap kar sakta. When the disciples continued to refuse to accept the instruction, jab in tino shishyon ne unki baat ko swikar nahi kiya jo Adhe Prabhu samjha rahe the, Shri Advait Prabhu rejected them, to Adhe Prabhu ne unka tyag kar diya. They left Shantipur and moved toward distant end. Unhone Shantipur chhodke dur koi jagah pe chale gaye. Those who are rejected by Lord Nityanand and Advait Prabhu are certainly most unfortunate and must be considered great offenders. Jo koi Mahaprabhu ko, Nityanand ko aur Advait Prabhu ko baat nahi mante hain aur unko agar tyag diya, in tino ne tyag diya hai, to bade durbhagyashali hain aur wo ko inko bahut bada apradhi manna chahiye. Such people are never accepted by the Vaishnavas. ऐसे लोग जो हैं वैष्णव कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं. ओ रीडर्स, आई विल टेल मोर अबाउट माधव द डिसाइपल ऑफ श्री अद्वैत प्रभु. अब मैं माधव के बारे में बताऊंगा जो अद्वैत प्रभु के शिष्य हैं. देयर वॉज अ ग्रेट डिवोटी नेम्ड दुर्गादास हु लिव्ड इन श्रीहट एंड लेटर मूव टू नवदीप. एक बहुत बड़े भक्त हैं जिनका नाम है दुर्गादास, जो शांतिपुर रहते हैं और बाद में वो नवदीप चले गए. ही हैड टू सन्स, सनातन एंड पराशर. उनके दो संतानें थी, एक का नाम सनातन था और दूसरे का पराशर. द यंगर सन पराशर वॉज अ डिवोटी ऑफ गॉडेस काली एंड सो बिकेम नोन एज कालिदास. जो छोटा पुत्र था पराशर, वो माँ काली का भक्त था और उसको की ख्याति कालिदास करके हो गई. माँ प्रभु माधव वॉज हिज सन, माधव उसके पुत्र थे. माधव दास वॉज प्रेजेंट व्हेन चैतन्य महाप्रभु ऑफर्ड बेनेडिक्शन टू द डिवोटीज एट श्रीवास ठाकुर हाउस. यानी कालिदास के जो पुत्र माधव है वो उपस्थित थे जब चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास के आंगन में लोगों को आशीर्वाद दिया था, सप्त प्रेरिया भाव जब दिखाया था.
तो आप पढ़ सकते हो ये महाप्रभु की लीला में, और उस वक़्त ये मौजूद थे और लोगों ने भिन्न भिन्न करके वर मांगे, आप प्रभु ने उन सबको वर प्रदान दिया था। सिंपली बाई हियरिंग द लॉर्ड्स होली नेम चैंटेड बाई श्री चैत्र महाप्रभु, माधव लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन मटेरियल लाइफ। केवल महामंत्र का जाप सुनने मात्र से उनकी संसारिक रुचि खत्म हो गई। यानी ये होता है शुद्ध नाम उच्चारण करने का परिणाम। हरिदास ठाकुर के संग में उस वेश्या ने की आसक्ति संसार खत्म हो गई, वह सन्यासिनी बन गई। महाप्रभु के एक बार उच्चारण करने मात्र से इनकी संसार की आसक्ति, ये होता है शुद्ध नाम उच्चारण करने का परिणाम। क्योंकि हमारा हरिनाम शुद्ध नहीं चल रहा है और हम प्रयास करें हैं, निरंतर करें, एक दिन शुद्ध होएगा। जिस दिन शुद्ध नाम निकलना है हमें भी भगवान का साक्षात्कार हो जाना है और हम हजारों लाखों का उद्धार कर सकते हैं। आफ्टर दिस इंसिडेंट ही मूव टू कुलिया एंड बिगैन टू मेडिटेट ऑन क्रिस्टल लोटस फी डे एंड। इसके बाद वो कुलिया चले जाते हैं और कृष्ण के चरणों का चिंतन करते हैं रात दिन। ही स्टडीड द डिवोशनल लिटरेचर अंडर श्री अद्वैत प्रभु, भक्ति शास्त्रों का अध्ययन किया अद्वैत प्रभु के संग में। एंड वॉज देन कॉल माधव आचार्य, और इनकी माधव आचार्य करके ख्याति हो गई। ही रोट अ प्रोस कमेंट्री ऑन द 10 कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम कॉल श्री कृष्ण मंगल। इन्होंने टिप्पणी लिखी दशम स्कंद के ऊपर और उसका नाम लिखा, ग्रंथ का नाम हो गया श्री कृष्ण मंगल। ही ऑफर्ड दिस बुक टू श्री चैत्र महाप्रभु एंड नीलाचल। उन्होंने ये ग्रंथ जो है चैत्र महाप्रभु को अर्पण कर दिया नीलाचल में। द लॉर्ड वॉज प्लीज विद इट एंड हर अद्वैत आचार्य इनिशिएटेड हिम। भगवान बहुत ज़रा प्रसन्न हुए और उन्होंने अद्वैत आचार्य से कहा कि इसको हरिनाम कर दीजिए। इन हिज एटर्नल आइडेंटिटी माधव इज नोन एज माधवी गोपी बिलोंग टू विशाखास ग्रुप। यानी इनका जो कृष्ण अवतार में ये कौन है, ये माधवी गोपी और विशाखा सखी के पक्ष वाली हैं। हैविंग रिसीव अद्वैत आचार्य मसी ही डेवलप्ड अ डिजायर टू एक्सेप्ट द संन्यास ऑर्डर। अद्वैत आचार्य की कृपा प्राप्त करने के बाद इनकी इच्छा हुई मैं संन्यास ग्रहण कर लूँ। वंस व्हेन श्री कृष्ण चैतन्य केम टू बंगाल फ्रॉम नीलाचल ऑन हिज वे टू वृंदावन। एक बार कृष्ण चैतन्य जो है बंगाल आए नीलाचल से और वृंदावन जा रहे थे। द लॉर्ड वेंट टू राघव पंडित हाउस एट पानीहट्टी। ये पानीहट्टी कलकत्ता के उत्तरी की तरफ है, कलकत्ता के बिल्कुल पास है, उत्तर की और जिधर कलकत्ता ख़त्म होता है उधर ये पानीहट्टी है जहाँ पे राघव पंडित का घर है, तो वहाँ पे गए थे। फ्रॉम देयर ही वेंट टू कुमारहट एंड ही हैड हिज मील एट श्रीवास पंडित हाउस। उसके बाद वो कुमारहट में गए और उन्होंने प्रसाद श्रीवास पंडित घर में किया। ही देन विजिटेड द हाउस ऑफ वासुदेव दत्त एंड शिवानंद सेन बिफोर गोइंग टू शांतिपुर। फिर वो वासुदेव दत्त के घर जाते हैं शिवानंद सेन के, उसके बाद शांतिपुर जाने के पहले। आफ्टर ऑनरिंग प्रसाद देयर एंड रेस्टिंग एट अद्वैत चार हाउस। अब प्रसाद का सेवन करके और अद्वैत चार्य घर में विश्राम करने के बाद द लॉर्ड वेंट टू फुलिया एंड स्टेड विद माधव आचार्य। फिर वो फुलिया जाते और माधव आचार्य के पास रहते हैं। ही रिमेन देयर फॉर 7 days गिविंग दर्शन टू ऑल हु केम फ्रॉम दी सराउंडिंग एरिया। वो वहाँ पे रहे 7 days और उन्हें दर्शन दिया जो जो आए थे आसपास के इलाकों से। देयर वॉज नो लिमिट टू माधव आचार्य हैप्पीनेस एज ही कॉन्स्टेंटली फ्लोटेड इन एन ओशन ऑफ ट्रांसेंडेंट एक्सेसी। यानी माधव आचार्य की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा और वो दिव्य भाव में डूबते रहे। आफ्टर बिस्टोइंग हिज मर्सी ऑन माधव आचार्य लॉर्ड चैतन्य डिपार्टेड फॉर वृंदावन। माधव आचार्य पर कृपा करने के बाद महाप्रभु वृंदावन चले जाते हैं। हाउएवर आफ्टर बिस्टोइंग हिज मर्सी ऑन रूप एंड सनातन
the Lord turned back after reaching Kanai Nashala. रूप असनातन को कृपा देने के बाद महाप्रभु जो है कनाई नाटशाला चले गए. बिकॉज अ ग्रेट क्राउड वॉज फॉलोइंग हिम द लॉर्ड रिटर्न टू नीलाचल इंस्टेड गोइंग टू वृंदावन. क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ उनके पीछे चलने लगी तो महाप्रभु ने क्या किया, वो नीलाचल चले गए वृंदावन के बदले. लेटर ही टुक द पाथ थ्रू द झारखंड फॉरेस्ट. बाद में उन्होंने झारखंड के जंगल के माध्यम से कृष्णा कविराज गोस्वामी है नाइसली डिस्क्राइब द लॉर्ड्स जर्नी इन इस चैतन्य चैतामृत. कृष्णा कविराज गोस्वामी ने बहुत बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि झारखंड से जब होकर जा रहे थे किस प्रकार इन्होंने जानवरों से जो हिंसक थे सबसे इन्होंने हरि नाम करवाया. एज द टाइम पास माधवा आचार्य बिकेम एंग्शियस टू लीव होम इन ऑर्डर टू एडवांस इस कृष्णा कॉन्शियस. जैसे समय व्यतीत हुआ माधव आचार्य इनके अंदर चिंता हो गई कि मुझे कृष्ण भक्ति में और आगे बढ़ना है. हिज मदर वॉज सैडेंड बाई हिज सन डिजायर. माँ दुखी हो गई उसकी इस इच्छा को देखे. एंड डिसाइडेड शी शुड गेट इन मैरिड एज क्विकली एज पॉसिबल. और ये निर्णय किया कि उनका विवाह जितनी शीघ्र हो सके कराना चाहिए है. यानी बट वन नाइट माधव आचार्य लेफ्ट होम सीक्रेटली एक्सेप्टिंग संन्यास फ्रॉम श्री परमानंद पुरी. एक रात माधवपुरी घर छोड़ गए चुपचाप और परमानंद पुरी से उन्होंने संन्यास ग्रहण किया. आफ्टर डैट ही लर्नड मच अबाउट द साइंस ऑफ डिवोशन सर्वे फ्रॉम रूप एंड सनातन. फिर वो रूप और सनातन के पास भक्ति विषयक विद्या ग्रहण करते हैं. In the meantime, his mother could not tolerate separation from her son and she gave up her life. Yani maa apne putra ka vira nahi sahan saki aur unhe apne pran tyag diye. When Madhav Acharya heard the news, he came to Shantipur. Madhav Acharya jab is khabar suni, wo Shantipur aate hain and then visit Khetri before going on to Vrindavan. Phir wo Khetri hote Vrindavan chale jaate hain. Where he strictly engaged इन श्री राधा कृष्णा सर्वे. वहाँ पे राधा कृष्ण की सेवा की बड़े नियम से. माधव आचार्य वॉज अफेक्शनेट टूअर्ज मी सो इट इज़ अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू राइट अबाउट इस पास्ट टाइम. जो लेखक नित्यानंद कहते हैं माधव आचार्य की मेरे प्रति बहुत उनका स्नेह था इसलिए उनके विषय में लिखने में मुझे बड़ा आनंद आ रहा है. देयर वॉज अ पायस ब्राह्मण नेम विशुद्ध मिश्रा. एक पुण्यशाली ब्राह्मण है जिसका नाम विशुद्ध मिश्रा है. हु वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ वत्स्य मुनि. और वह वत्स्य मुनि के वंश के थे. ही हैड अ सन नेम मधु मिश्रा हु लिव्ड इन श्रीहट. उनके एक पुत्र था जिसका नाम था मधु मिश्रा और वो श्रीहट के रहने वाले थे. मधु मिश्रा हैड फोर सन्स. मधु मिश्रा के चार पुत्र थे उपेंद्र रंगड़ कीर्तिद एंड कीर्तिवास. ये उनके चार पुत्र थे. उपेंद्र हैज सेवन ग्लोरियस सन विद हिज वाइफ कमलावती. उपेंद्र के सात महान पुत्र हुए उनके पति कलावती के द्वारा. दी सन्स वर नेम कमसारी परमानंद जगन्नाथ पद्मनाभ सर्वेश्वर जनादन एंड त्रिलोकनाथ. इन ये पुत्र के इनके नाम थे. जगन्नाथ मिश्रा केम फ्रॉम श्रीहट टू लिव एंड नवदीप. जगन्नाथ मिश्रा श्रीहट से नवदीप आगे रहने के लिए वेर ही बिकेम लॉर्ड चैतन्य फादर. जहाँ पे वो चैत्र महाप्रभु के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. जगन्नाथ मिश्रा वॉज एन इनकार्नेशन ऑफ बोथ नंद महाराज एंड वासुदेव. यानी नंद बाबा और वासुदेव ये दोनों सम्मिलित हो गए और वो जगन्नाथ मिश्रा बने. Another great soul in Srihat was Chandrasekhar, also known as Acharya Ratna. यानी एक महान आत्मा श्रीहट में थी उनका नाम था चंद्रशेखर. उन्हें आचार्य रत्न कह के भी संबोधित करते थे. He too came to live on the bank of the Ganges. वो भी गंगा जी के तट पे आके रहने लगे. It was in the house that the Lord danced in the mood of Goddess Lakshmi. इन्हीं के घर में भगवान ने लक्ष्मी का रूप धारण किया और वहाँ पर नृत्य किया. नीलांबर चक्रवर्ती और रेजिडेंस ऑफ श्रीहट ऑल्सो केम एंड लिव्ड इन नवदीप.
in the village known as Belpukhriya. Nilamba Chakravarti, जो थे श्रीहट के रहने वाले थे वो भी नवदीप आ गए और बेलपुखरिया में उन्हें अपना घर बनाया और बेलपुखरिया हम जाते हैं परिक्रमा के समय ये राजापुर में जगन्नाथ जी हैं उसी मंदिर के थोड़ा आगे ही है ये बेलपुखरिया ही हैड टू सन्स एंड टू डॉटर्स नेम जोगेश्वर सची रत्नगर एंड सर्व जय यानी उनके दो पुत्र और दो कन्या थी और उनके नाम थे योगेश्वर सची रत्नगर्भ एंड सर्वजय सची देवी वॉज एन इनकार्नेशन ऑफ बोथ मदर यशोदा एंड मदर देवकी सची देवी जो थी यशोदा और देवकी दोनों के मिश्रित अवतार थी शी वॉज गिवन इन मैरिज टू जगन्नाथ मिश्र हु वॉज ऑल्सो नोन एज मिश्र जगन्नाथ मिश्रा जी के साथ विवाहित किया गया और उन्हें मिश्रा पुरंदर करके भी लोग संबोधित करते थे सर्वज मैरिज चंद्रशेखर सर्वज का विवाह चंद्रशेखर से हुआ सची गे बर्थ टू 8 डॉटर्स ऑल ऑफ हुम डाइड वन आफ्टर अनदर सची ने 8 कन्याओं को जन्म दिया जो एक के बाद मर गई जन्म हो लेते ही देन शी गे बर्थ टू विश्वरूप हर फर्स्ट सन उसके बाद विश्वरूप प्रकट हुए हु वॉज नॉन डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड बलराम जो लॉर्ड मेरी बलराम से अभिन्न है विश्वरूप वॉज इनिशिएटेड बाय श्री ईश्वरपुरी ईश्वरपुरी ने उन्हें हरिनाम दीक्षा दी थी विश्वरूप ब्रदर निमाई पंडित लेटर बिकेम नोन एज श्री कृष्ण चैतन्य विष्णु विश्वरूप के जो भाई थे निमाई पंडित जो है छोटे भाई थे उन्हें बाद में श्री कृष्ण चैतन्य करके संबोधित किए गए और दुनिया में विख्यात हुए रत्नगर आचार्य हैड अ सन नेम लोकनाथ रत्नगर आचार्य थे उनके पुत्र का नाम था लोकनाथ विश्वरूप टुक हिम एज अ कंपेनियन व्हेन ही वेंट टू साउथ इंडिया तो विश्वरूप से लोकनाथ के साथ गए थे दक्षिण भारत की यात्रा में देयर विश्वरूप टुक संन्यास एक्सेप्टिंग रिसीविंग द नेम शंकर अरणय उधर विश्वरूप का संन्यास हो गया और उन्होंने शंकर अरणय उनका नाम हो गया हिज कजिन ब्रदर लोकनाथ देन बिकेम हिज डिसाइपल यानी उनके जो मामे का लड़का था लोकनाथ वो जो हो गया इनका शिष्य बन गया लोकनाथ कंटिन्यू टू सर्व हिम विद लव एंड डिवोशन लोकनाथ उनकी सेवा करते प्रेम और भक्ति के द्वारा वन डे ईश्वरपुरी happened to meet Vishwarup and Vishwarup offered his obeisances and then empowered him with great spiritual potency. एक बार ईश्वरपुरी विश्वरूप से मिले विश्वरूप उन्हें प्रणाम करते हैं और उनको अपनी कृपा प्रदान करते हैं आध्यात्मिक शक्ति पूरी देके जाते हैं विश्वरूप आज ईश्वरपुरी टू ट्रांसफर द स्पिरिचुअल पोटेंसी तो नित्यानंद प्रभु बाई इनिशियटिव तो विश्वरूप ने क्या क्या जो मैं पूरी जो आपकी कृपा शक्ति आपको देके जा रहा हूँ ये पूरी की पूरी कृपा शक्ति आपने नित्यानंद प्रभु को देनी है हरिनाम करा के उनकी दीक्षा करा के आफ्टर दिस इंसिडेंट विश्वरूप लेफ्ट ई वर्ल्ड एंड ईश्वरपुरी कंटिन्यूड ऑन इज पिलग्रिमेज इस घटना के बाद विश्वरूप इस पर लोग सदा चले जाते हैं यानी स्थान श्री छोड़ देते हैं और ईश्वरपुरी अपनी यात्रा में चले जाते हैं ओ रीडर्स देयर इज अ विलेज नेम एक चक्र इन राधा देश पाठकों एक स्थान है एक चक्र करके राधा देश में वेयर लिव्ड अ पायस मैन नेम सुंदरमल नकादी बदूरी वहाँ पे एक पुण्यशाली आदमी रहता था उसका नाम था सुंदरमल नकाड़ी बदुरी एंड इस सन मुकुंद ऑल्सो नोन एज हडाई ओझा और हडाई पंडित और उसके पुत्र का नाम था हडाई ओझा या हडाई पंडित करके संबोधित करते थे हडाई वॉज एन इनकार्नेशन ऑफ वासुदेव हडाई जो थे वासुदेव के अवतार थे एंड ए ब्यूटिफुल पद्मावती वॉज एन एक्सपेंशन ऑफ देवकी और उनकी जो पत्नी थी वो देवकी की विस्तार थी हडाई पंडित हैज 7 सन्स हडाई पंडित के 7 पुत्र हुए नित्यानंद कृष्णानंद सर्वानंद ब्रह्मानंद पूर्णानंद प्रेमानंद एंड विशुदानंद ये उनके 7 पुत्र के नाम है लॉर्ड नित्यानंद वॉज द एल्डेस्ट
एंड ही वॉज एन इनकारनेशन ऑफ बलराम, जो नित्यन ज्योति सबसे बड़े थे और वो बलराम जी के ही अवतार थे। विश्वरूप एंड नित्यानंद आर वन एंड द सेम पर्सनैलिटी, यानी जो महाप्रभु के बड़े भाई जो थे विश्वरूप और वो नित्यानंद जो है, जो एक चक्र में हड़ाई ऊर्जा घर में अवतरित है, ये दोनों एक ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। इन हिज चाइल्डहुड लॉर्ड नित्यानंद वॉज कॉल्ड चिदानंद, अ नेम ही वॉज गिवन बाई आदेश प्रभु। बचपन में नित्यानंद जी का नाम था चिदानंद और ये आदेश प्रभु ने उनका नामकरण किया था। After he left home, he became known as Nityanand Avadhut. फिर वो जब घर छोड़ के जाते हैं तो इनका नाम पड़ जाता है नित्यानंद अवधूत। In his childhood, Lord Nityanand enjoyed his pastime in एक चक्र। बचपन में नित्यानंद जी ने एक चक्र में बाल लीलाएं बहुत सी की हैं। In the meantime, in a distant land, Ishwarpuri had a dream. यानी उस वक़्त थोड़ी दूरी पे ईश्वरपुरी को सपना आया। इन विच लॉर्ड बलराम अपियर्ड एंड सेड, बलराम जी ईश्वरपुरी के सपन में आते कहते हैं, ओ मैग्निफिसेंट सन्यासी, आई हैव अपियर्ड इन दिस वर्ल्ड एज ए सन ऑफ हड़ाई पंडित। मैं इस संसार में प्रकट हुआ हड़ाई पंडित का पुत्र बन के। इन दिस इनकारनेशन माई नेम इज नित्यानंद, इस अवतार मेरा नाम नित्यानंद है। यू शुड इनिशिएट मी इन टू द मंत्र आई एम नाउ गोइंग टू गिव यू, आप मुझे मंत्र दीजिए जो मैं आपको प्रदान करने वाला हूँ। लॉर्ड बलराम देन विस्पर्ड अ मंत्र इन टू ईश्वरपुरी ईयर एंड देन डिसअपीयर। बलराम जी ईश्वरपुरी काम में मंत्र उच्चारण करके अंतर्धान हो जाते हैं। देन बाय द अरेंजमेंट ऑफ प्रोविडेंस, फिर भाग्य के अनुसार ईश्वरपुरी वन डे केम टू हड़ाई पंडित हाउस। ईश्वरपुरी हड़ाई पंडित घर आते हैं, रिक्वेस्टेड हिम टू गिव हिम हिज सन इन चैरिटी, और कहते हैं अपना पुत्र हमें दान करिए। ईश्वरपुरी देन इनिशिएटेड लॉर्ड नित्यानंद एंड गिव हिम द मंत्र द स्पिरिचुअल पोटेंसी ये हैड रिसीव फ्रॉम विश्वरूप। ईश्वरपुरी उन्हें दीक्षा देते हैं और उनको अपनी अध्यात्म कृपा शक्ति जो विश्वरूप से प्राप्त हुई वो सारी की सारी उनको अर्पण करते हैं। लॉर्ड नित्यानंद ट्रेवल टू मैनी होली प्लेसेस थ्रू आउट इंडिया इन ईश्वरपुरी एसोसिएशन। नित्यानंद जो हैं बहुत से स्थानों में भ्रमण करते रहे और ईश्वरपुरी के संग में। वन डे ईश्वरपुरी सेटिंग, एक दिन ईश्वरपुरी उनसे कहते हैं, यू शुड कंटिन्यू टू ट्रेवल टू द होली प्लेस वाइल आई लुक फॉर माई स्पिरिचुअल मास्टर। आप तीर्थों की यात्रा करते जाइए, मैं अपने गुरु को ढूंढने जाता हूँ। ईश्वरपुरी लेफ्ट एंड सून मेट स्पिरिचुअल मास्टर माधवेंद्रपुरी। दिस लॉर्ड नित्यानंद ऑल्सो मेट माधवेंद्रपुरी ऑन हिज ट्रेवल्स। यानी ईश्वरपुरी शीघ्र अपने गुरु को मिलते हैं माधवेंद्रपुरी को, और नित्यानंद भी माधवेंद्रपुरी को बाद में मिलते हैं अपनी यात्रा के समय। नित्यानंद प्रभु कंसिडर माधवेंद्रपुरी हिज स्पिरिचुअल मास्टर। नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी को अपना गुरु मानते थे एंड माधवेंद्रपुरी ट्रीटेड हिम लाइक अ फ्रेंड, और माधवेंद्रपुरी उन सखा उन्हें अपना मानते थे। आफ्टर जॉयफुली स्पेंडिंग सम डेज डिस्कसिंग कृष्ण कथा, कुछ दिन वहाँ पे रहने से आनंद पूरा कृष्ण कथा करते हुए, द थ्री लेफ्ट फॉर देयर रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन, वो तीनों जो हैं अपने अपने लक्ष्य पे चले जाते हैं, अपने स्थान पे चले जाते हैं। आफ्टर ट्रैवलिंग टू इन्यूमरेबल होली प्लेसेस, बहुत से तीर्थों के दर्शन करते हुए नित्यानंद प्रभु केम टू वृंदावन इन ग्रेट एक्सटेसी। नित्यानंद प्रभु वृंदावन आए बड़े भाव में। He visited all 12 forests and then once again met his guru Ishwarpuri. तो कहते हैं कि ये 12 वनों में गए, 12 वन हैं, भांडीर वन, भद्र वन, बेल वन, वृंदावन, महावन, इस प्रकार 12 वन हैं, उन सब वनों के दर्शन करते हैं। एंड देन वंस अगेन मेट हिज गुरु, उनको अपने गुरु भी मिले ईश्वरपुरी। नित्यानंद प्रभु आस ओ स्पिरिचुअल मास्टर वेर इज कृष्णा, और नित्यानंद प्रभु पूछते हैं ईश्वरपुरी से, कृष्ण कहाँ हैं? ईश्वरपुरी प्राय ही हैज अपियर्ड इन नवदीप एज द सन ऑफ सची टू डिलीवर ऑल द फॉलन सोल्स ऑफ द वर्ल्ड। कहते अवतार हुआ है नवदीप में।
वो सब पतितों को उद्धार करने के लिए आए। नित्यानंद प्रभु देन वेंट टू निर्दी एंड मेट इज बिलवड लॉर्ड कृष्णा चैतन्य। नित्यानंद प्रभु जब नवदीप जाते हैं और अपने कृष्णा चैतन्य से भेंट होती है। ओ रीडर्स, आई विल टेल यू हाउ श्री चैतन्य महाप्रभु ट्रेवल टू ईस्ट बंगाल। अब मैं वर्णन करूंगा कि किस प्रकार वो बंगाल में गए, पूरे बंगाल में गए। मैं कथा का विश्राम करता हूँ, समय हो रहा है, इस कथा को हम कल श्रवण करेंगे। किस प्रकार जाते हैं और आगे की लीलाएं हम कल पढ़ेंगे। वांछा कल्पत्रु भेश्च कृपा सिंधु एव च पतितानं पावने भयो वैष्णव भयो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।